नमस्कार दोस्तों। और आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सबकी जुबान पर है, जियो 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 सिम। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे जियो सिम के बारे में, हर एक आदमी, हर एक बूढ़े, हर एक बच्चे की जुबान पर सिर्फ जियो सिम है, फ्री का इंटरनेट और फ्री की कॉल। तो आइए हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या है ये जियो सिम। तो ये जियो सिम जो है ये आप कहीं भी अपने नज़दीकी शॉप से ले सकते हैं। और इसमें ये स्कीम है कि ये 31 दिसंबर 2016 तक आपको फ्री कॉलिंग और फ्री इंटरनेट अनलिमिटेड देगा। तो हम जैसे सबसे पहले जियो सिम लेते हैं तो इसके लिए हमें आधार कार्ड ज़रूरी होना चाहिए। और ये एक इसकी किट है जिसमें इन्होंने बहुत एक स्टिकर्स दिए हैं अपने वीडियो को, अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए, और एक छोटी सी बुकलेट है। और ये रहा सिम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये सिम सिर्फ 4G फ़ोन में ही चलेगा और ये बाकी फ़ोनों में ये सिम नहीं चलेगा। तो देखते हैं, हम जियो सिम को एक्टिवेट करते हैं आपके सामने। ये मेरा हैंडसेट है मोटरोला और ये 4G डिवाइस है। तो सबसे पहले जियो सिम डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले जियो की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपको, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपको वो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपको वो गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। GIO, जियो सिम ऐप। ये जियो सिम ऐप है, माई जियो। इसको आप खोलेंगे इस तरीके से। इसमें जब आप खोलेंगे तो आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे, आप इंस्टॉल नाउ वाला ऑप्शन। और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक दुकान वाला आपको एक नंबर दे देगा, आपका ऑर्डर आईडी, जियो आईडी, और उसके ऊपर आपको सिम मिल जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ मैं जियो की जो आईडी है ये, इसमें आपको माई जियो आपको अकाउंट मिलेगा, आपका जियो सिनेमा है, जियो टीवी है, जियो एक्सप्रेस है, जियो चैट है, जियो सिक्योरिटी है। तो आइए सबसे पहले हम फ़ोन को ऑन करते हैं और आपको नेट की स्पीड दिखाते हैं। अभी तो मैं वाईफाई चला रहा हूँ लेकिन अब आपको जियो की स्पीड से वो करवाते हैं। वेलकम जियो। ये हमने सिम डाल दिया जियो का, और याद रखिए इसको सिम 1 में ही डाली है। ये हमने सिम डाल दिया है जियो का। देखते हैं अब हमारा फोन जिएगा या मरेगा। आजकल हमने ये भी सुना है, बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में कि भैया जियो के सिम में प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, तो वो भी हम चेक करते हैं आज। ये देखिए मैं अपना वाईफाई बंद कर दिया है और जियो का सिम, ये देखिए आपको मेरा फ़ोन है वोल LTE, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। वोल LTE मीन्स ये आपका कॉलिंग में भी बहुत काम आएगा। अगर आपके फ़ोन में ये लिखा आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए आप कॉलिंग कर सकते हैं। और जब भी आप पहली बार सिम लें और अपने सिम को एक्टिवेट करवाएं तो उसमें आप नंबर दबाएं 1977, ये देखिए 1977, ये सारी इन्फॉर्मेशन है सिम के ऊपर। अगर आपको बात करनी है तो आप इन नंबरों पे बात करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं माई जियो। ये है जी जियो का अकाउंट, इसको आप ओपन करेंगे, ये आपकी पूरी हिस्ट्री दिखा देगा इसकी। ये माई जियो है और ये जियो सिनेमा, ये भी उसी के अंदर ऐप है, बहुत ही बढ़िया ऐप है। ये अपने आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगी जब आपको आपका नंबर मिल जाएगा। और इसके ये देखिए इसमें कितनी सारी मूवीज़ हैं, नई नई मूवीज़ हैं और गाने हैं, सब कुछ है इसमें।
आपका टाइम पास वैसे ही होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से 31 दिसंबर तक। देखिए इसमें मूवीज़ हैं, टीवी शोज़ हैं, ट्रेलर्स हैं, म्यूज़िक वीडियोस, काफ़ी कुछ है। तो इसमें जैसे हम मूवीज़ खोल के देखते हैं, सॉन्ग्स देख लेते हैं। ये देखिए मैंने तेवर मूवी चला दी है एक, बस हम ये स्पीड जानने के लिए चेक कर रहे हैं कि स्पीड कैसी है। अभी बेशक मेरे सिग्नल कम है फ़ोन के, मैं आपको स्पीड चेक करवा देता हूँ। बफरिंग हो रही है लेकिन अब चल गया। ये देखिए आप, ये है जियो की स्पीड। अब मैंने इसको बीच में लिया है, किसी भी फिल्म का मज़ा लीजिए घर बैठे जियो सिम के साथ। और स्पीड के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ये बफरिंग के साथ चल रही है, ये है 4G स्पीड। मैं नहीं मानता कि इतनी अच्छी स्पीड है अभी, लेकिन काम चलाओ स्पीड है। कई बार स्पीड सही आती है, कई बार कम हो जाती है। और कॉलिंग के लिए भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कॉलिंग भी अगर आप इससे करते हैं जियो के सिम से, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें भी काफ़ी बिजी बता रहा है। और बाकी आप वो चीज़ें छोड़ दीजिए कि या सब लोगों के मन में ये है कि हमारा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जियो से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट्स में लिखें और मैं उनका और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है उस पर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।